कानपुर में इंडिया गठबंधन की संयुक्त जनसभा का आयोजन किया गया। कानपुर के जीआईसी मैदान में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस से राहुल गांधी ने मंच साझा किया। दोनों नेताओं ने कानपुर नगर लोकसभा से प्रत्याशी आलोक मिश्रा के समर्थन में वोट मांगे। जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार खटारा हो चुकी है और जब वोट पड़ेगा तो वो इंजन भी गायब हो जाएगा। अखिलेश यादव का भाषण समाप्त होने के बाद राहुल गांधी ने मंच की कमान संभाली। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 3 साल से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के जरिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा को वोट देने की अपील की। देखिए ये रिपोर्ट। जिन लोगों ने पिछले 10 साल से न केवल झूठ बोला है बल्कि अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ब्रह्मांड का इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है। इनकी हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। जो जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा, वो कोई भी वादा इन्होंने 10 साल में पूरा नहीं किया। आज हम और आप चौथे चरण के चुनाव में आपसे सहयोग और समर्थन मांगने आए हैं। ये चौथा चरण बीच का चरण है, इससे पहले 3 हो चुके हैं, चौथे चरण के बाद 3 होने जा रहे हैं। ये चौथा चरण ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर देगा और अब तो केवल 4 कदम हमें चलना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया करने के लिए। कोविड वैक्सीन बनाने वालों से जब आप लोग मर रहे थे तब पैसा ले रहे थे, करोड़ों रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी ने कोविड वैक्सीन वालों से पैसा लिया। आप मर रहे थे, उन्होंने आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा मोबाइल फोन की लाइट चलाओ। अदानी को कहते हैं पैसा गिनो, टेम्पो में भेजो मुझे। उनको कैसे मालूम कि अदानी टेम्पो में पैसे भेजता है, कैसे पता उनको? और भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, नोटबंदी वाले प्रधानमंत्री ने बोला कि अदानी और अंबानी काला धन देते हैं, तो मोदी जी अगर अदानी और अंबानी काला धन देते हैं तो आपने उन पर सीबीआई ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, आप लिख के ले लो।
आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है, और बाकी देश में, हर प्रदेश में हमने बीजेपी को रोका है। ये जो मीडिया वाले हैं, अदानी के हैं, ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। ये हमारे भाई हैं, इनसे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मगर इनको सैलरी लेनी है बेचारों को, इसीलिए ये सच्चाई नहीं लिख सकते। बच्चे पालने हैं इनको, मगर अगर आप अभी इनके चेहरे देखोगे तो ये भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता लग रहा है कि जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, खत्म कहानी। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय थैंक यू। भाई और बहनों, इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ रहा है। यहां अखिलेश जी बैठे हैं, समाजवादी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, बाकी पार्टियों के नेता, हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता एक बन गए हैं। आमतौर से क्या होता है, आप जंगल में जाते हो, एक बंपर शेर दिखता है, दूसरा बंपर शेर उसके पास कभी नहीं आता। यहाँ पे हजारों बंपर शेर एक साथ खड़े हुए हैं।